जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR की अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों IRCTC ई वॉलेट के बारे में। दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि आप IRCTC ई वॉलेट में दोस्तों पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हो, और दोस्तों ये IRCTC ई वॉलेट दोस्तों किन किन यूज़रों को मिला है। दोस्तों ये फीचर हमारे आया है IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी देने के लिए हमें चलना होगा अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आप साइड में देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को दोस्तों आपने अपडेट नहीं किया तो उसे जाकर प्ले स्टोर पर अपडेट जरूर कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको करना होगा IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपको मतलब इंटरफेस होगा, उसको कर देना होगा ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी नया ऑप्शन आपको शो होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा सबसे राइट हैंड में दोस्तों मतलब कि लॉगिन आपको कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक, यहाँ पे दोस्तों मांगा जा रहा है आपका पिन, आपको यहाँ पे पिन डालना है। पिन डालने के बाद दोस्तों जो केचवा आप में आए उसे आपको यहाँ पे कर देना होगा फिल। उसके बाद दोस्तों आपको कर देना होगा लॉगिन के ऊपर। दोस्तों मैंने केचवा पिन डाल दिया, उसके ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इसके कर देते हैं हम दोस्तों लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नया फीचर ओपन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा आ रहा है वेरीफाई यूजर, तो यहाँ पे थोड़ी देर हम वेट लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपका होम स्क्रीन आ चुका है, जो दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेन के ऊपर क्लिक करना होगा। ट्रेन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कहीं यहाँ पे कई सारे नए फीचर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है IRCTC ई वॉलेट। अगर दोस्तों ये फीचर आपको यहाँ नहीं देखने को मिलता है तो दोस्तों आपको माई अकाउंट का ऑप्शन पर जाना है। माई अकाउंट के ऑप्शन पर जब जाओगे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेकेंड नंबर पर दोस्तों यहाँ पे IRCTC ई वॉलेट, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम चले जाते हैं वेग। वेग जाने के बाद दोस्तों आपको फिर वेग चले जाना है थोड़ा। वेग जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं उसी पर। दोस्तों यहाँ पे फिर हम उसी पर आ चुके हैं। फिर से दोस्तों हम इसी पे IRCTC ई वॉलेट के ऊपर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है यूआर अकाउंट KYC इज ऑलरेडी कम्प्लीट, प्लीज सेट यूआर पिन पासवर्ड बिलो। यहाँ पे आपको दोस्तों अपना पासवर्ड मतलब सेट करना है। तो दोस्तों पासवर्ड कैसे सेट करना है मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। दोस्तों आपका पासवर्ड कुछ इस तरह रहना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड सेट होगा। दोस्तों इस पासवर्ड आपको लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहोगे तो आपका पासवर्ड शो होगा। अगर आप हेड रखना चाहते हो तो हेड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए आप पासवर्ड मैंने हेड कर दिया। तो इसके ऊपर आपको जानना है सबमिट का ऑप्शन, राइट हैंड में सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर कर देना होगा क्लिक। तो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर से। हम दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूआर ई वॉलेट अकाउंट इज करेक्ट सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन पासवर्ड इज सेट वी आर रेडी योर टू लॉग इन स्क्रीन प्लीज लॉग इन अगेन। तो यहाँ पे दोस्तों हम कर लेते हैं ओके, यानी हमारा पासवर्ड मतलब रेडी हो चुका है, ओके कर लेते हैं। ठीक, वॉलेट का मतलब पासवर्ड है, आप इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप बात रही दोस्तों ये ऑप्शन किन किन लोगों को मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका आधार कार्ड IRCTC अकाउंट में लिंक होगा उसी को ये ऑप्शन दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपके बाई दबे आपके में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों मैंने आपका सेकंड ऑप्शन बताया था कि माई अकाउंट पे जाना। माई अकाउंट में दोस्तों आपको सेकंड नंबर पर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा।